बड़े शब्दों से छोड़कर के सारथी को कहा, रात को उठाया सारथी और बोले कि चलो मुझे जंगल छोड़कर के आओ, मुझे तपस्या करनी है, मुझे उसकी प्राप्ति करनी है, मुझे उसकी खोज करनी है, मुझे उसको पाना है। सारथी तो आदेश का पालन करने वाले होते हैं। बूढ़ा सारथी चला राजा को लेकर के, लेकिन सारथी का एक कार्य और होता है, हमने देखा है कि सारथी रथ चलाते हुए कुछ न कुछ बोलता रहता है, कुछ न कुछ बातें कहता रहता है जो ताकि समझाया जा सके। तो सारथी का अनुभव बहुत था, आयु भी बहुत थी, देखा भी बहुत संसार था, उनके पिता का भी वही सारथी रहा था। उन्होंने कहा, महाराज आप क्या करने जा रहे हैं? राजा ने कहा, मैं उसकी प्राप्ति के लिए जा रहा हूँ, तपस्या के लिए जा रहा हूँ। सारथी ने कहा, महाराज क्या महल के अंदर तपस्या नहीं हो सकती? राजा ने कहा, नहीं, महल तपस्या के लिए उपयुक्त स्थान नहीं है। सारथी ने कहा, क्या जंगल उपयुक्त है? राजा ने कहा, हाँ जंगल उपयुक्त है। सारथी ने कहा कि मैंने बहुत जंगल देखे हैं, मैं बहुत घूमा हूँ इस संसार के अंदर, आपके पिताजी के साथ भी हम जंगलों के अंदर शिकार के लिए जाया करते थे, इस जंगल में कुछ भी नहीं है, आप कहाँ भाग रहे हैं? आप महल के अंदर चलिए, राज कीजिए, सत्ता भोगिए, बच्चे हैं आपके, पत्नी है, बूढ़ा महाराज है, उनकी भी सेवा करनी है, उनकी भी देखभाल करनी है, आप कहाँ भागे जा रहे हैं अपने फर्ज को छोड़ करके? क्योंकि जब जीव पर छूटने का समय आता है तो भिन्न भिन्न फर्ज आ करके खड़े हो जाते हैं, किसी को पति का फर्ज, किसी को पत्नी का फर्ज, किसी को माता पिता का, किसी को घर का, परिवार का, बच्चों का, मर्यादा का, संसार का, इज्जत का, भिन्न भिन्न प्रकार के फर्ज संसार को बांधने के लिए खड़े हो जाते हैं और चारों तरफ हाथ फैला करके खड़े हो जाते हैं। तो सारथी ने सब कुछ समझाने की कोशिश की, लेकिन राजा ने कहा कि मैं देख रहा हूँ उस महल के अंदर आग जल रही है। सारथी ने मुंह घुमाया महल की ओर, कहा कि महाराज मुझे तो ये दिखाई नहीं दे रही, कहाँ आग जल रही है, आप कैसी विचित्र बातें कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये केवल भाव भाव का अंतर था कि राजा को वहां आग दिखाई दे रही थी, लेकिन सारथी को वहां रस नजर आ रहा था, वहां ताकत नजर आ रही थी, वहां समृद्धि नजर आ रही थी, लेकिन वहां उसको अंदर इतना तीव्र भराव हो चुका था। उन्होंने कहा कि इस महल के अंदर कितने हमारे खोज हुए हैं, कितना समय बीतता चला गया, सैकड़ों पीढ़ियां इसके अंदर गलती चली गई, आज आया कल चला गया। नित्यानंद जी ने भी कहा है, बाप गए दादा गए हम भी जावन हार, नित्यानंद इस जगत में लगी आवागमन की लार। तो इस संसार के अंदर सब जाने के लिए आए हैं, लेकिन चले जाते हैं। कबीर ने भी कहा है, सबने एक ही बात कही है, इस संसार के अंदर कोई ठहरेगा नहीं, सबको जाना ही पड़ेगा इतना इतनी, लेकिन हम सीखते नहीं हैं अनुभव से और बिछड़ते चले जाते हैं और अपने से दूर होते चले जाते हैं और समय की खोज नहीं हो पाती। जिसको समय की खोज करनी है, धन दो प्रकार का होता है, धन एक तो वो धन है जो आप प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, एक वो धन है जो संसार प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। आप बैठे हैं हमारे सामने, बहुत लोग ये सोचते होंगे, आपने भी सुना होगा, देखे भी होंगे, आपके साथ ऐसा व्यवहार भी हुआ होगा, आगे भी होता रहेगा कि आप क्या लेने के लिए आते हो यहाँ, क्या मिलता है यहाँ, हमें तो आज तक कुछ मिला नहीं, हमें तो आज तक कुछ प्राप्त हुआ नहीं, कैसे क्या प्राप्त होगा, क्या जानता है ये, कुछ नहीं जानने वाला, हमने बड़ा नजदीक से देखा है, हम बचपन से देखते आ रहे हैं, कुछ नहीं, केवल अपना करता है, अपना ध्यान करता है, कुछ नहीं जानता।
जानता, किसी का कुछ नहीं पता रहता, लेकिन जिसको जिस वस्तु की आवश्यकता होती है वो उसी की तलाश में निकलता है, उसी की खोज में निकलता है, उसी दिशा में आगे बढ़ता है। जिसको जिसकी इच्छा होती है, अगर कोई प्यासा हो तो सैकड़ों दूर अगर नदी चल रही हो, बह रही हो, तो वहां पहुंच करके जल ग्रहण करता ही है। अगर प्यास न लगी हो तो सामने भी अगर नदी बह रही हो, बिल्कुल जल कितना भी मीठा क्यों न हो उसको भी खारा लगेगा, वो नहीं समझ पाएगा कि कैसा है, क्या खेल चल रहा है। संसार दो प्रकार के धन कहा मैंने, एक वो धन है जो अंतरात्मा का है, जो कभी घटता नहीं, सबके सब लोगों को सबका सब धन प्राप्त हो जाए तब भी इतना ही बाकी रहता है और इतना ही मिलता रहता है, और अगर पूरा का पूरा ब्रह्मांड भी अगर उस धन से तृप्त हो जाए, अगर पूरे के पूरे ब्रह्मांड के सब जीव जाग जाए तो भी वो धन उतना ही रहता है। लेकिन एक वो धन है, ये धन हमें मिल रहा है लेकिन हम ग्रहण नहीं कर पा रहे, इसमें कोई बाधा भी नहीं है, इसमें कोई रोक भी नहीं लगा रखी है, कोई रोक नहीं सकता। ये धन मिल रहा है नहीं कर पा रहे, हम भाग रहे हैं उस धन के पीछे जिसके ऊपर विभिन्न प्रकार के बंधन हैं, जो न प्राप्त हो सकता है न हुआ। इन शब्दों का प्रयोग मैंने इस कारण से किया है क्योंकि ये धन का प्रयोग तभी तक कर सकते हैं जब तक ये शरीर है, उसके बाद नहीं कर पाएंगे। उसके बाद तो केवल जो धन प्राप्त हो रहा है, जो लोग आप लोग ये धन प्राप्त कर रहे हैं केवल यही काम आएगा, यही आपको आगे तक ले जाएगा और यही आपको जगाएगा। लेकिन इसके लिए सबसे ज्यादा ध्यान की जरूरत है, सबसे ज्यादा उसके चिंतन की जरूरत है। इस संसार जो भटक रहा है, संसार जो भ्रमित कर रहा है, संसार जो हमें उस परम चेतना से दूर ले जा रहा है, इसे हमें बड़ा संभल संभल कर चलना है। क्योंकि जितने भी महल मकान पत्थर सब कुछ यही रह जाने वाला है। आप ये समझना, कुछ बच्चे खेल रहे, एक महात्मा खड़ा होकर के देख रहा, कुछ बच्चे जो रेत के, आपने भी खेल बनाए होंगे, आपने भी रेत के घर बनाए होंगे, ईंटों के मकान बनाए होंगे, आपने यहाँ भी देखा होगा गोवर्धन के अंदर कई कई मंजिला मकान पत्थरों के बना दिए जाते हैं, चारों तरफ से बाड़ लगा दी जाती है कि ये मेरा घर है, अगले जन्म में इस प्रकार का मिलेगा, बड़ी समृद्धि मिलेगी। तो बच्चे भी खेल रहे थे रेत के घर बना करके, खेलने में बड़ा आनंद आ रहा था, एक दूसरे का घर देख रहे थे। एक बचपन से ही हमारे अंदर प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है, इसका छोटा घर है मैं इससे बड़ा बनाऊंगा, इसका छोटा है मैं इससे बड़ा बनाऊंगा, और बड़ा बनता चला जाता है। रेत के घर बना रहे और एक बच्चे का पैर लग गया एक घर, जब एक बच्चे का पैर लगा तो सबके सब बच्चे उसको लिपट गए, उसके साथ लड़ाई करने लगे, मारामारी करने लगे, बहुत उसका बुरा हाल कर दिया। लेकिन तभी आवाज आई घर वालों की कि वापस आ जाओ, शाम हो गई। जब वापस चले तो सबका सब सब कुछ यही इसी प्रकार से छोड़ करके वो बच्चे खेलते हुए और भाग लिए घर की ओर, दौड़ चले अपने घर की ओर। यही हमारे साथ हो रहा है लेकिन हम समझ नहीं पा रहे। इन मकानों के साथ, इन पत्थरों के साथ, संसारिक वस्तुओं के साथ अपने को बांध दिया है, हम नहीं खोल पा रहे हैं, कोई भी बंधन टूट नहीं पा रहा है। न बंधा हुआ भी मान लिया कि हमने बंध गया तो हम उससे बाहर नहीं निकल पा रहे, इतनी बुरी तरह से बिना बंधे हुए भी जकड़ दिए गए हैं, शायद बंधे हुए बिना जकड़े गए हों। क्योंकि जब मन से कोई बांध दिया गया हो उसे कोई नहीं बोल सकता, अगर कोई रस्से से बांध दिया गया हो उसका कोई लाभ हो सकता है,
उसका तो खुला हो सकता है, वो तो खोला जा सकता है, लेकिन जो मन से बांध दिया गया हो उसे संसार में कोई नहीं खोल सकता, न कोई खोल पाया है और न ही कोई खोल सकता है। तो जो जिस वस्तु की खोज में निकलता है उसे वही प्राप्त होती है, और जिसके अंदर जो मानसिक वृत्ति भर दी गई है वही केंद्र चलता रहता है। आप देखना छोटे छोटे जानकार, आपने देखा होगा जूते बनाने वाला मुची,